गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप सब लोग अपने घर में होंगे, सुरक्षित होंगे। आज मैंने सुबह योगा क्लास नहीं किया क्योंकि मेरे पेट में नेवल डिस्प्लेसमेंट है, गॉन डाउन होता है, अक्सर होता है, आपको भी होता होगा शायद। कभी आपका नेवल डिस्प्लेस हुआ है, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं नाभि उखड़ जाना या पेट उखड़ जाना, तो ये एक चीज़ होती है। मालिश किया है, शायद थोड़ी देर में ठीक हो जाए। अगर आपको भी कभी ऐसा दर्द होता है या कभी ऐसा दर्द हुआ है, तो मैं आपको कुछ आसन बताऊंगा, कुछ योगासन बताऊंगा, जिससे कि आपका जो नेवल डिस्प्लेसमेंट है वो वापस अपनी जगह पर आ जाएगा और जो दर्द है, जो मोशंस हैं, वो सब ठीक हो जाएगा। वो सब आपकी सारे जितने भी प्रॉब्लम्स रिलेटेड है हमारे नेवल डिस्प्लेसमेंट से, वो सब ठीक हो जाएगा। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और वो आसन भी जानिए, दूसरों को भी बताइए। कोरोना में अगर लॉकडाउन के दौरान आपके घर में प्लम्बिंग का, इलेक्ट्रिसिटी का कुछ काम पड़ता है, कैसे करेंगे? खुद करना पड़ेगा ना। तो ये नल जो था ये काफ़ी टपक रहा था किचन में, और लॉकडाउन की वजह से कुछ नंबर नहीं। वैसे भी छोटा सा काम है, आराम से करा जा सकता है, तो सोच रहा हूँ अपने हाथ बर्तन भी धोई देता हूँ। तो हम लोग के पास कुछ गमले पड़े हुए थे लास्ट ईयर कोरोना में लाए थे, तो उसमें कुछ पौधे लगाए थे, वो पौधे चले नहीं, वो गमले पड़े हुए थे। तो अभी क्या किया कि कद्दू आया हुआ था घर पर, तो जो कद्दू के बीज थे वो डाल दिए हैं, तो वो कद्दू के बीज अब थोड़े से पौधे बन गए। और ये है गेंदे का फूल, मैरीगोल्ड, उसके प्लांट्स हैं ये। तो ये पत्तियां ऐसे ही डाल दी थी यहाँ पे, जो फूल पूजा के लिए आए थे वो डाल दी, और वो अब, और ऐसे ही ये पौधे थे, इनमें फूल डाल के, और ये इतने बड़े हो गए, अब इनमें फूल आने लगे हैं धीरे धीरे। तो मैं आपको बताता हूँ कुछ ऐसे आसन जो हम कर सकते हैं, अगर आपको महसूस होता है या बिना भी एड़ खिसक गई, तो आप ये चार आसन कर सकते हैं, और चार आसन के साथ में कुछ और छोटी मोटी एक्सरसाइज है वो मैं बताता हूँ आपको। तो अगर आप ये करते हैं तो आपकी नाभि धीरे धीरे वापस अपनी जगह पर आ जाएगी। तो हमारा सबसे पहला आसन है उत्थान पादासन। तो इसके लिए हमें सबसे पहले अपने पीठ के सहारे मैट पर लेट जाना है, अपने दोनों हाथों को अपने किनारे अपने थाइस पर लगा लें, इसके बाद धीरे धीरे अपने सर को और अपने पैरों को ऊपर की ओर उठाएंगे और लगभग एक फिट ऊपर ज़मीन से, इसमें हमारी कमर नीचे मैट से टच होनी चाहिए और मैक्सिमम प्रेशर हमारी नाभि के पास पड़ेगा। हमारा सर और हमारा पैर दोनों एक लेवल में आ जाएं, इस पोजीशन में आने के बाद होल्ड करेंगे। हमारा दूसरा आसन है धनुरासन। धनुरासन में हम अपने पेट के सहारे मैट पर लेटेंगे, अपने दोनों पैरों को फोल्ड करें और अपने हाथों से अपने एंकल्स को, अपने पैरों को पकड़ लें। धीरे धीरे हम अपने पैरों को ऊपर की ओर उठाएंगे और अपने सर को और अपने सीने को भी आगे से हम ऊपर की ओर उठाएंगे। इसमें पूरा जोर हमारे पेट पे पड़ेगा और पेट हमारा पूरी तरीके से मैट के ऊपर, और अपने पूरे शरीर को ऊपर की ओर उठाने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पर हम अपने आप को थोड़ी देर रोकेंगे और फिर वापस। हमारा तीसरा आसन है चक्रासन। तो चक्रासन के लिए हम अपने मैट पर आराम से लेट जाएं और अपने दोनों पैरों को फोल्ड करके अपने हिप्स के पास अपने हील्स को लाएं। इसके बाद हम अपने दोनों हाथों को उठाकर अपने कान के पास शोल्डर्स के नीचे रखेंगे आराम से।
फिर हम अपने हील्स और नीज इसमें लगभग 30 सेंटीमीटर का गैप लाएंगे और फिर अपने बॉडी को धीरे धीरे कोशिश करते हुए ऊपर की ओर उठाएंगे। इस पोजीशन में अपने आप को थोड़ा सा होल्ड करेंगे। ध्यान दें कि आपका जो सर है वो आराम से पीछे की ओर लटका रहे, उस पर कोई जोर ना दें और पूरा ध्यान अपनी नाभि की तरफ लगाएं। पैर को जितना सीधा कर सकें उतना सीधा करने की कोशिश करें और फिर आराम से अपने आप को नीचे मैट पर। हमारा चौथा आसन है मत्स्य आसन। तो मत्स्य आसन के लिए हम पद्मासन में बैठ जाएंगे और आराम से अपने आप को पीछे की ओर ले जाएं। अपने एल्बोज का इस्तेमाल करते हुए आराम से अपने आप को लेट जाएं मैट पर और अपने हाथों को कान के पास लगाकर अपने पीठ को ऊपर की ओर उठाएंगे, अपने एब्डोमेन को ऊपर की ओर उठाएंगे, जिससे हमारी पीठ में मैक्सिमम आर्क बनेगी अपने सर को पीछे लगाते हुए। और फिर हम अपने दोनों पैरों के अंगूठे को पकड़ेंगे और अपने एल्बोज को नीचे मैट पर लगाएंगे और इस आसन में थोड़ी देर अपने आप को वेट करेंगे, होल्ड करेंगे, अपने एब्डोमेन को स्ट्रेच करेंगे। अपने हाथों को अपने सर के पास लाकर अपने अपर बॉडी को आराम से मैट पर लिटाएं और फिर अपनी कमर को पकड़ते हुए अपने एल्बोज को नीचे मैट से लगाते हुए आराम से सहारा लेते हुए उठकर बैठ जाएं। अभी दूसरे सेट ऑफ एक्सरसाइज में हम आराम से अपने आप को मैट पर लिटा देंगे, अपने पैरों को सामने की ओर स्ट्रेच कर लें, अपने हाथों को अपने साइड्स में स्ट्रेच कर लेंगे। दोनों पैरों में लगभग 1 फीट का गैप होगा। अपने दोनों पैरों को फोल्ड करेंगे और अपने घुटनों को एक दूसरे से टच करते हुए जब हम अपने दोनों पैरों को एक साथ लेफ्ट साइड में मोड़ेंगे, अपने सर को हम राइट साइड में लेके जाएंगे। इस पोजीशन में हम अपने एक पैर के नीज को दूसरे पैर की हील्स पर से टच होना है और इसी स्थिति में हम अपने आप को रोकेंगे। वापस आएंगे सेंटर में इनहेल करते हुए और फिर एक्सहेल करते हुए हम अपने सर के और पैरों की स्थिति को चेंज करेंगे, उसकी पोजीशन को चेंज करेंगे और दूसरी साइड में हम अपने आप को थोड़ी देर होल्ड करेंगे। इसके बाद हम अपने दोनों पैरों को साथ में लाएंगे, हाथों को अपने साइड्स में ही रहने दें और फिर हम अपने दोनों पैरों को साथ में लाकर सेम एक्सरसाइज को फिर से करेंगे। तो जब हमारे पैर लेफ्ट साइड जाएंगे, हमारा सर राइट साइड और फिर हमारे पैर राइट साइड, तो हमारा सर लेफ्ट साइड। तो ये जो 4 आसन और कुछ एक्सरसाइज अभी हम लोगों ने करी हैं, ये आसन हमारे नेवल डिस्प्लेसमेंट के लिए बहुत अच्छा होता है। अगर कभी आपको हो जाता है या किसी आपके परिवार में किसी को भी हो जाता है तो आप कोशिश करें कि उसको ये आसन करवाएं, तो उसका जो नेवल है वो वापस अपनी जगह पर आ जाएगा, नाभि अपनी जगह पर आ जाएगी और उसकी जो तबीयत है वो ठीक हो जाएगी और वो हैप्पी हो जाएगा। चलिए, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। कल फिर मिलते हैं।